खुद भी लिख दी। अब अगर डेसिमल अगर फ्रैक्शन करेंगे। यस बेटा, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 27/10, ठीक है, अब कोई भी नंबर है ना, कोई भी नंबर हो, तो इसका मतलब जो डेसिमल है वो यहाँ पे है। अब 27/10 का मतलब होता है कि ये जो डेसिमल है, एक जीरो का मतलब वो एक प्लेस पीछे जाएगा, यानी कि इसका आंसर होएगा 2.7। इसका आंसर क्या होएगा? टू, सॉरी, आपने कराया हुआ है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सर, याद आ रहा है? आज ये खत्म ही कर देंगे इसे, ठीक आपने है? अभी लास्ट ईयर कराया था ये, सर लास्ट ईयर? दिसंबर में अच्छा, कराया था। ओके। अब अगर यही नंबर ऐसे है, 27/100, हाउ मेनी जीरोज आर देयर? दैट मीन्स कितने जीरोज है? सर 2 1 0.0 हाँ, दे आर टू जीरोज। टू जीरोज का मतलब है, टू जीरोज का मतलब है कि जो ये डेसिमल यहाँ पे है वो एक प्लेस दो प्लेस पीछे जाएगा, यानी कि जो आंसर होएगा दैट विल बी अ 0.27, मतलब दो पीछे चला गया, ठीक है? अब ठीक है सर। अगर अगर यही क्वेश्चन, 27/1000 हुआ, कितने जीरोस है 1000 में? तीन सर, थ्री 1, 2, 3। यहां से शुरू करना, 1, 2, 3। जो खाली जगह है वहां पे जीरो आएगा, जो खाली जगह है वहां पे क्या आएगा? जीरो। जीरो पर ये तो कोई टू लॉजिक ही नहीं बनता है, क्योंकि खाली जगह है तो, लेकिन वो तो 1000 ही होगी, और अगर नहीं आप बेटा, 1 लॉजिक ये है कि 1/10 का मतलब पता है क्या है? वन सर अपॉन खाली टेन का जगह मतलब है, 1/10 का मतलब है कि अगर ये 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? है 10। तो उसका वन पार्ट, उसका कितना पार्ट? वन पार्ट वन अब 1/100 का मतलब है उसका 100th पार्ट, मतलब 1 मीटर का 100th पार्ट इज 1 सेंटीमीटर, सो दैट इज 1/100th ऑफ अ मीटर, ठीक सर, है? आप फिर से समझा सकते हैं? फोटो सेंड? किसका फोटो चाहिए बेटा? अभी शादी की उम्र नहीं हुई है आपकी, किसका फोटो चाहिए? सर बिल्कुल नहीं समझ आए मुझे। अरे शादी के टाइम पे ना लोग फोटो मांगते हैं ना कि मुझे लड़के का फोटो भेज दो, पसंद आएगा तो शादी करेंगे। हाँ, तो समर्थ अभी से यार 10 साल का बच्चा है और वो कह रहा है मुझे फोटो भेज दो। अच्छा समझा दो, समझा रहे, ठीक है समझा रहे। अब फिर से, इसलिए मुझे समझ नहीं आया था। अब ये है बेटा, ये है, समर्थ को समझ में आ गया था? समर्थ देखना कैसे हंस रहे थे, खिलखिला के हंस रहे थे। हाँ अगर 1000 है तो फिर 0.027 और उसके आगे पॉइंट लगा के जीरो। अब ये देखना, पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाता हूं, जीरो है तो मतलब एक टप्पा मारना है, कितने टप्पा मारने हैं? ठीक एक। है ओके सर, दो। और अगर दो जीरो है तो कितने टप्पा मारने हैं? दो। 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 अगर तीन जीरो है तो कितने टप्पा मारने हैं? तीन। तीन। अब जो ये तो इसके पास कोई भी खाली जगह नहीं है, तो जहां पे एरो रुक गया वहां पे पॉइंट लगाना है टू, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा दो, ठीक है? अब यहां पे खाली जगह है, खाली जगह का मतलब वहां पे जीरो आएगा, टू आएगा, और एरो जहां पे है वहां पे डॉट आएगा, तो ये आंसर हो गया 0.02। अब यहां पे दो प्लेसेस खाली है, कितने प्लेसेस खाली है?
तो यानी कि 2 0 आएगा विथ अ टू और फिर यहां पे डेसिमल एंड अ जीरो. आया समझ में? ओके. अब मैं तीन और क्वेश्चन लिख रहा हूं. हमारे क्लास में तो इतने ही बच्चे हैं. कौन आया अभी? ये है जीविका. अरे जीविका कहाँ घूम के आ रहे हो? जीविका इतना नहीं घूमते हैं. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी आईडी में, इसलिए मैंने मम्मा की आईडी से जोड़ अब आ रही है आवाज. ऐशा बाश. अब ये देखना, ये मैंने 2 डिजिट वाले न्यूमरेटर लिए. कितने डिजिट वाले न्यूमरेटर हैं? टू. गो टू द लू, टू द पू. कितने ये कितने जीरो है? हाउ मेनी जीरो? वन. सो वन पीछो. यहाँ पे हाउ मेनी जीरो? टू पीछो. यहाँ पे हाउ मेनी जीरो? तो यहाँ पे ये 3 पीछे. अब मैं आंसर नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बताओ फर्स्ट का आंसर क्या होगा. सर 2.5. 2.5. सेकेंड वाले का क्या होगा? 0.25. सर 0.25. शाबाश. थर्ड का क्या होगा? सर 0.0025. ठीक है, आया समझ में? यस सर. ओके. अब अभी और एग्जांपल ले रहे हैं, अभी क्वेश्चंस नहीं दूंगा क्योंकि ये ब्रांड न्यू टॉपिक है. एक बार समझ में आ. तो मैं ओरल ओरल कर रही हूं. ब्रांड ओल्ड टॉपिक है सर, ब्रांड ओल्ड टॉपिक है. ये ब्रांड ओल्ड टॉपिक क्या होता है? है ब्रांड ओल्ड टॉपिक क्या होता है? ओके. ये ब्रांड बहुत पुराना है. अच्छा, ये ब्रांड बहुत पुराना है. मेरे लिए तो पुराना है. कुछ महीनों पहले किया था और अब हम भूल गए हैं. अब यहाँ पे कितने जीरोस? सर यहाँ पे सर इसका आंसर 2.5. यस, अब सही आया ना. अब मुझे यहाँ पे 2 जीरोस है. 2 जीरोस का मतलब 1 टप्पा 2 टप्पा. व्हाट विल बी द आंसर? 2.56. यहाँ पे 3 शून्य. सो 1 टप्पा 2 टप्पा 3 टप्पा. क्या 0.025? गलत. सबका गलत. 0.256. हाँ, वहां पे तो कोई वो था ही नहीं. वहां पे तो कोई गैप आई नहीं रहा. जहां पे गैप आएगा ना वहां पे जीरो लगाना है. जहां पे कोई गैप नहीं है, जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है, तो आपने उसके बदले में जीरो लगाया. यहाँ पे तो कोई गैप ही नहीं था, तो कोई भी जीरो नहीं लगाएंगे. आया समझ में? ओके. अब एक और एग्जाम्पल, फिर उसके बाद से एक मिक्स्ड एग्जाम्पल लेंगे. 2, 5, 6, 7/10, 2, 5, 6, 7/100. 2, 5, 6.7. दूसरे का आंसर है 2, 5.67. तीसरे का आंसर है 2.2.567. ये 1 टप्पा 1 जीरो के लिए. तो समर्थ हैज गॉट ऑल ऑफ देम करेक्ट. ये 2, 5, 6.7. यहाँ पे 2 जीरो. 2 जीरो का मतलब 2 टप्पे. 2 टप्पे का मतलब आंसर 25.67. यहाँ पे देयर आर 3 जीरोस. मेरा मन, मैं कैसे भी बोलूं. अब बचवा साहब सुनिए 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 सुनिए, जल्दी जल्दी सुनिए. का कर रहे आप लोग? काम धाम करते नहीं है, खाम खाना दिमाग खराब करते रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं. तो इसका आंसर वह हो गया 2.567.
आया समझ में कुछ? का यार, ये समर्थ हुआ भी ना, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस. आई एम गिविंग यू ऑल अनदर एग्जांपल. थ्री अपॉन टेन, 45 अपॉन टेन एंड 565 अपॉन टेन. सो नाउ आई एम नॉट हेल्पिंग यू ऑल आउट. You all tell me the answers. Come on, 3 upon 10 का आंसर क्या है? पहले का आंसर है, हाँ, सर, 0.3, उसके बाद 4.5, उसके बाद का आंसर है 5.5. Exactly, शाबाश. So here we had what? 1-0 only. In all of the questions, we had 1-0 only. All of, yes. क्या ये जरूरी है कि नीचे वाले का denominator का number सिर्फ zero ही होना चाहिए? हाँ, 10 में ही होना चाहिए. 10 में नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे. Okay. अब एक और example to check if you all have understood or not. I don't know. Let's see how many examples you all would need to understand. No, not so much. Okay, now guys, tell me the answer of the first one. Sir, first wale ka 0.5, dusre wale ka 0.5. पता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हो. ओके, नाम लेके पूछेंगे. ऐसे तो पता नहीं किस कौन आंसर दे रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे. ये मेरे क्लास के स्टूडेंट ऐसे ही कर. हाँ. Okay, so understood, guys? Everyone understood? Yes. Okay, now nobody is to say anything. And I am giving y'all 8 questions. Okay. So, chup chap karenge 4 minutes ke nahi, 2 minutes ke baad. 2 minutes ke baad, main aap logo se question poochunga ki ho gaya ki nahi. Aur ek ek karke poochunga. हाँ सर, प्लीज. और 5 क्वेश्चन देना अगर एक एक करके पूछोगे. हम लोग 5 है ना? ओके, 6 है सर. अपने आप से भी पूछेंगे. क्यों, मैं अपने आप से क्यों पूछूंगा भाई? हाँ क्या भाई, बता ना जरा. सर सारे स्टेप्स लिखना? नहीं नहीं, जस्ट दी आंसर. करते हैं मिस जानवी से. मिस जानवी, ये वाला क्वेश्चन आपका है. कितने जीरो हैं? 3 जीरो, मतलब ये 3 पीछे जाएगा तो आंसर कितना होएगा? 1. पूछोगे नहीं, खुद बताओ. 1. जहां पे एरो है वहां पे पॉइंट आएगा. खाली जगह में क्या आता है? 0. और उसके बाद से जो नंबर है वही लिखो. अभी फिर से पूछूंगा, आप ध्यान से देखना बाकी लोग क्या आंसर बता रहे हैं. समर्थ, इसका आंसर कौन सा? ये वाला. कौन सा? ये वाला. 0.5 upon 10. 0.5 upon 10? सर, आई मीन
हाँ सर बस 0.5 अपॉन 10 ए 10 तो गायब हो जाएगा ना यारा यहाँ पे हम। ओह सॉरी सर हाँ सॉरी 0.5 ओके अफीफा बेटा यस ये सर वाला एक मिनट सर 0.03 फिर से ध्यान से बेटा, वन टप्पा दो टप्पा तीन टप्पा कितने जीरोज आएंगे? 0.03 या दो जीरो आएंगे, ठीक है? ओके बेटा, आलिया ये वाला, दिस वन 0.743 0.743, जीविका ये वाला बेटा, ये वाला, ये वाला येलो से जो मार्क किया है, ओके दो जीरो है जीविका। सो मैं बताती हूँ 0.40 ए मुक्का, एक दो, यहां तो पॉइंट के बाद एक खाली जगह है, तो 0 एंड 4। सर मैंने गलती से 5 लिख दिया था 4 के बजाय। समर्थ, ये डबल येलो टिक मार्क, सर डबल येलो टिक मार्क का है। ये ट्रिपल येलो टिक मार्क, 0.60 ओके सही है। अफीफा ये स्टार येलो, मिनट सर हाँ 0.00 ए मिसफा कितने जीरो? 3, एक टप्पा दो टप्पा तीन टप्पा, क्या होएगा आंसर? यस 0.0 बोलते जाओ। पॉइंट बाकी जीरो पॉइंट 0.00 ओके मिस आलिया, ये स्माइली वाले क्वेश्चन का आंसर बताएं। सर 0.29 शाबाश, यानी कि अभी और काम बाकी है, सबको अच्छे से समझ में नहीं आया है। आई एम गिविंग 10 क्वेश्चंस, हाउ मेनी क्वेश्चंस? एंड टिल द टाइम, टिल द टाइम ऑल ऑफ अस डू नॉट गेट इट करेक्टली, वी विल कीप ऑन डूइंग दीज क्वेश्चंस ओनली। सर आप नंबरिंग भी लिख सकते हैं गुड यस नाइन्थ बेटा, क्वेश्चन यस बेटा, मैं उससे शुरू कर दूंगा, आई नंबर इट एज वन। सर मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी मैंने नंबरिंग ऑलरेडी लिख चुकी हूँ कोई बात नहीं ना, चेंज कर लो ना प्लीज। सर मैंने 30 तक तो नंबरिंग लिख भी चुकी हूँ प्लीज, और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना, नहीं तो मम्मा आपको डांटेगी। सर अच्छे हैंडराइटिंग में ही लिखती हूँ मैं ओके सर मैं सिर्फ स्कूल से काम अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता हूँ मेरी ये हैंड राइटिंग अच्छी है मैं लिखता हूँ लेकिन जगह बहुत खराब लिखता हूँ। सर छे मम्मा कहती है नेक्स्ट पेज पे करो है सर लाइक क्वेश्चन हाँ है लेकिन बहुत इजी है, सारे इजी है, नीचे ही तो देखना कितने, 10 है 100 है 1000 है। ओके जल्दी से करे, वो बहुत जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूं। ओके लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। समर्थ फर्स्ट वन, सर मुझे 8th वाला बताना नहीं पहले फर्स्ट वाला बताओगे आप? सर फर्स्ट वाले का आंसर है 0.67 ओके जीविका सेकंड वाला, जीविका ऐसा
सेकंड वाला जीविका। ओके सर, 0.5180। अरे गलत। ये देख बेटा, ये देख, दो जीरो है ना, तो दो पीछे जाएगा बेटा, दो पीछे जाएगा, तो आंसर इज 5.18। ठीक है बेटा जीविका। ओके सर। ओके आलिया, थर्ड वाला। सर थर्ड वाला 0.29 है। सॉरी सर, मैं गद्दूशा वाला बोल रही थी, 6.043। ए ये क्या हो रहा है मेरे बच्चों, सबको क्या हो रहा है ये? 6.043। हाँ क्या कर रहे हो तुम लोग हैं भाई। जानवी नेक्स्ट वाला। जानवी ना, शाबाश अफीफा आ गई। ओके अफीफा फिफ्थ वाला बेटा। तो 103.24। ओके आलिया सिक्स्थ। समर्थ नेक्स्ट वन। ओके एट वाला बताओ समर्थ, ये वाला मैं लिख रहा हूँ। एट वाले का आंसर है 536.008। परफेक्ट। जानवी नाइन्थ वाला। ये 8374 बेटा। एंड जानवी लेफ्ट। जीविका अफीफा नाइन्थ का बेटा। अफीफा सर ये वाला 2506। हाँ वही बता दो, 2506 वाला। 2506। शाबाश शाबाश। लास्ट 10। ओके लास्ट 10 इस टाइप के करेंगे, उसके बाद से उल्टा काम करना है। लेट्स सी इफ वी गेट इट ऑल करेक्ट। ध्यान से करना, आई वांट यू ऑल टू गेट ऑल ऑफ इट करेक्ट। गेट व्हाट सर? मेरा पहले भी ऑल ऑफ इट करेक्ट था, उससे पहले भी, उससे पहले भी। वेरी गुड सर, मेरे भी ऑल करेक्ट है एक्सेप्ट वन। ओके ये कैसा ऑल करेक्ट है बताना मुझे जरा। ऑल डिनोमिनेटर में कभी 10,000 क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो अगले साल करेंगे, इस साल 10,000 नहीं है। क्यों? बिकॉज डेसिमल से करते रहेंगे। बेटा डेसिमल तो अब जिंदगी भर करोगे। 20 रुपीज 50 पैसे इज ऑल्सो अ डेसिमल। मुझे पता है सर। सर 10,000 हम नेक्स्ट ईयर क्यों करेंगे? एक ही तो बात होगी, एक ही तो। हाँ वही तो, एक ही तो जीरो लिखना होता, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे लोग। सिर्फ आंसर लिख रही हूँ। ओके सर नंबरिंग लिख दो, 19 से शुरू करते। 19 से लिखना शुरू करो। सर हम 19 कर चुके हैं। ये ऐसे? अच्छा ये 20 हो गया। नहीं सर वो 19। अच्छा सर, थैंक यू। प्लेजर मैम। हाँ सर। सर डिसेंबर हमारे स्कूल के थोड़े दिन बाद होगा। हाँ हम तब तक खत्म करके दूसरे टॉपिक पे पहुंच चुके होंगे। Yes, sir.
सर तो है, हमने क्लास थर्ड में क्लास फोर्थ का क्लास थर्ड के एंड में हमने क्लास फोर्थ की स्टार्टिंग का काम करा होगा। ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमारे स्कूल का डिसेंबर थोड़े दिनों बाद शुरू होगा एंड हमने अभी करना। चलो अब दिस इज ऑन डिमांड ऑफ समर, इंस्टेड ऑफ 1000 आई एम गिविंग यू 10,000। तो चार जीरो है, ध्यान से चार है। एक भी मैं कॉमा नहीं डाला है, 10,000 में क्यों डाला? मेरी मर्जी। टेन क्वेश्चंस बेटा, टेन। ओके पहले दो अफीफा बताएंगी। लास्ट वाला मैं बताऊंगा। सर 13.245 73। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। 13.245 73.009। ओके समर्थ लास्ट के दो। सर लास्ट के दो, लास्ट का ये सर लास्ट का पहला वाला है 100.069। है 9 कहां से? वेयर इज अ 9? ओ सॉरी नो, 3। हां ओके। एंड लास्ट वाला है 0.6407। ओके आलिया 21 and 25। सर 49068। गलत। 49.068 सही। पॉइंट बोला भूल गई मैं तो। ओके 48.65। ओके हमेशा याद रखना, आलिया ने भी ये मिस्टेक किया, अफीफा ने भी ये मिस्टेक किया। आफ्टर द डेसिमल वी ऑलवेज से इट अकॉर्डिंग टू द डिजिट्स। 65 वी विल नेवर से 65, वी विल से 48.65, 13.245, 73.009, 49.06। ओके सर मैं ये सब 65 नहीं होना था, 65 होना था, ये मैंने ओके पढ़ा था जब मैं ओके। जानवी आपका है ये जो 3 ब्लू डॉट्स वाले। हाँ जी फाइव 01.0 हाँ सही है, सही जा रही है, सही। अब नेक्स्ट वाला बताओ। ओके फाइव पहले हाँ 8.0 पॉइंट कहाँ खा गई? इस यहाँ तो पॉइंट आएगा ना, यहाँ पॉइंट आएगा। ओके जीविका बाकी जो बचे हैं वो बताएं। ऊपर का 7.6.51। बेटा देख कितने हैं, 3 0 तो पॉइंट आएगा यहाँ 7.65। हाँ अब लास्ट वाला कोई भी बता दो। हाँ नहीं जीविका ही बताएगी, जीविका बताया। हाँ शाबाश, अब आया ना मजा, अब आया ना सबके सही। ठीक है तो अब अगले क्लास में इसका उल्टा काम सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इसका उल्टा, उल्टी करना नहीं सीखेंगे, उल्टा काम सीखेंगे। हाँ उल्टा। ठीक है बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग।